नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। अशोक गहलोत मंत्रिमंडल के प्रस्तावित फेरबदल और विस्तार को लेकर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी में सियासत गरमाई हुई है। वहीं प्रदेश प्रभारी अजय माकन के जयपुर आने से पहले ही सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए हैं और बताया जा रहा है कि सचिन पायलट ने दिल्ली दरबार में पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने इस मुलाकात में उनसे किए गए वादों में काट छाट न करने की मांग की है। राजस्थान की राजनीति में गहलोत और पायलट के बीच चल रहे शह और नाथ के खेल में दोनों तरफ से पुरजोर आजमाइश हो रही है। राजस्थान में गत करीब सवा साल से चल रहे सियासी दंगल का अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। राजस्थान के समांतर पंजाब कांग्रेस में हो रही उठापटक को आलाकमान ने आखिरकार शांत कर दिया है। अब आलाकमान का फोकस राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट विवाद को निपटाने पर है। इसके लिए पूरी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। पायलट खेमे को संतुष्ट करने के लिए कांग्रेस आलाकमान चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। अजय माकन ने एक बार फिर से जयपुर में डेरा जमा लिया है। वे दो दिनों तक गहलोत सरकार के प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर पार्टी और उसके समर्थक सभी 119 विधायकों से 1-to-1 मिलकर फीडबैक ले रहे हैं। वहीं अजय माकन के जयपुर आने से पहले ही पायलट दिल्ली पहुंच गए और यहां पर उन्होंने अजय माकन समेत केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी से मुलाकात कर ली। बताया जा रहा है कि विधायकों से फीडबैक लेने के बाद माकन से सचिन पायलट फिर मिलेंगे। वे दो दिन तक दिल्ली में ही डटे हैं। दूसरी तरफ विधायकों के 1-to-1 मुलाकात के कार्यक्रम से गहलोत सरकार के कई मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है।